आज हम आपको बर्ग प्रॉपर्टीज़ के चैनल से किंगडम वैली के विजिट के ऊपर लेकर आए हैं। किंगडम वैली के ऊपर बताएंगे, पिछली बारी भी हमने यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाई थी। आज हम बताएंगे आपको कि आज हम बेसिकली चौथा महीना है 2022 का, और चौथे महीने में क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। पार्क ऑलरेडी बना हुआ था, लैंड बहुत ज़्यादा एक्वायर किया है मज़ीद, जो कि हम आपको इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में भी दिखाएंगे। और उसके अलावा जो विलाज़ हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड काफ़ी तेज़ की गई है, बहुत सारे नए जो हैं बुनियादें रख दी गई हैं। पिछली बारी हमने देखा था कि काफ़ी कम काम हुआ है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वाइड किया है, और आहिस्ता आहिस्ता लैंड परचेज़ किया है, और बड़ी एक एक्यूमुलेटेड सी एफर्ट नज़र आ रही है। और आपको पता है यहाँ हर किस्म के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बताता चलूँ कि हिलजुल काफ़ी ज़्यादा है, और हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर भी कुछ प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी ऊपर जाएंगी। और ये कि अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर आपको पता है डिस्काउंट्स चल रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट के अंदर डिस्काउंट चल रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट्स जानने के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, राबता करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ विलाज़ भी अवेलेबल हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, फार्म हाउसेज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चूँकि ये एक थोड़ा सा फ़िलहाल शहर से हट के है, और फार्म हाउसेस बड़े लोगों को पसंद हैं, और वो इस तरह की सरीन किस्म की एनवायरनमेंट के अंदर फार्म हाउसेस लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ कोई कब्ज़ा मिल जाए, फार्म हाउसेस मिल जाएँ, तो वो इंशाल्लाह आने वाले अरसे में आप सुनेंगे कि बैलेटिंग वगैरह भी उसकी हो रही है, मास्टर प्लान भी इंशाल्लाह रिलीज़ होगा। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि पंजाब गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड है, ई खिदमत मरकज़ ऑनलाइन पे भी देख सकते हैं, जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत भी इसके अंदर घर बनाए जाएंगे, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के विज़न के मुताबिक। और ये बहुत ही एक खुशाइन और अच्छी सोसाइटी है। रिंग रोड के आने के ऊपर इसका इम्पैक्ट अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं, तो रिंग रोड के आने का इम्पैक्ट इस पूरे इलाके के अंदर होगा इंशाल्लाह, बल्कि पूरे रावलपिंडी में होगा इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ। और इस कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, शहर के अंदर रश कम होगा। चक्री रोड स्पेसिफिकली, चूँकि यहाँ इंटरचेंज भी आएगा, और इस पूरे इलाके को बहुत जो है ना वो सहारा मिलेगा, बहुत एक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ से एयरपोर्ट का, इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का एक्सेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अब आप हर आने वाले दिन में देखेंगे कि प्राइसेज इंक्रीज़ हो रही हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप आज अगर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आप यकीन करें आपके ना पैसे डूबेंगे, बल्कि उल्टा आपके पैसे जो हैं वो डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। अक्सर औकात लोग हमसे कहते हैं कि बैरिया टाउन में कोई प्लॉट ले दें, बैरिया टाउन में शुरू में कोई प्लॉट ले दें। हमारी कोशिश है हम कोई शुरू में ले लें, करीब लोकेशन में ले दें, दूर लोकेशन में ना लें। देखें जी, करीब लोकेशन को लेने के लिए ना किसी सोसाइटी के अंदर आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब सोसाइटी तैयार हो जाती है, जब नक्शे बन जाते हैं, जब प्राइसेज ऊपर चली जाती हैं, तो फिर शुरू की चीज़ें फिर महंगी मिलती हैं। तो लिहाजा जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो जूस होता है, वो शुरू के अंदर होता है। तो ये इस वक्त जो टाइम है वो इसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का टाइम है, जिसकी वजह से हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत कीजिए, एज सून एज पॉसिबल अवेल कीजिए और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आर चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।